हेलो एवरीवन, बहुत दिनों से आप सभी ने कमेंट किया कि SGIDT पे ब्लॉग बनाइए। तो SGIDT पे ब्लॉग बना रहे हैं हम। SGIDT के कैंपस में ही हैं, कैंपस के भी हम शेयर कराएंगे। उससे पहले कुछ हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं। तो हिस्ट्री है क्या, तो आप सभी हिस्ट्री के बारे में जानो, और प्रेजेंट में SGIDT है क्या और फ्यूचर में होने वाला है क्या, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। SGIDT उतने बड़े कैंपस नहीं है, छोटे कैंपस में ही है और सिंगल एक डिपार्टमेंट कॉलेज है उसके। तो 1999 से पहले वो ICR के थ्रू चल रहा था, ICR के थ्रू 1999 से चल रहा था। बट क्या हुआ कि 1999 के बाद में अब आ जाता है जगदेवपथ पटना में। अब जगदेवपथ पटना में आया तो उसके बाद होता क्या है, अब 2010 में यूनिवर्सिटी हो जाता है BA सावोर में आता है, तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सावोर में। अब बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सावोर से कुछ दिन चलता है, और कुछ दिन चलने के बाद होता क्या है कि वहाँ से भी हट जाता है, और एक बिहार सरकार के द्वारा नया यूनिवर्सिटी का ओरिजिन किया गया 2017 में, जिसका नाम है वासु यूनिवर्सिटी पटना। अब वासु के बारे में बता दें तो बिहार एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी पटना, इसमें लगभग 4 अभी कॉलेज है प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में 3 कॉलेज था। अब 3 कॉलेज कौन कौन सा था, तो DT हो गया यानी डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, वेटनरी हो गया और फिशरीज हो गया। यह 3 कॉलेज पास्ट में, यहाँ पर प्रेजेंट में यह कॉलेज कैसा है इस पर डिस्कस करेंगे। तो आपने कैंपस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, यानी कि कैंपस है तो कैंपस नॉर्मल है, यानी कि नॉर्मल या बेटर भी है। यानी अब बात कर रहे हैं 1999 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी कहानी। जैसे मैं SGIDT 1999 में खुद के कैंपस ओरिजिन कर चुके थे, यानी कि खुद के कैंपस में आ चुके थे। अब खुद के कैंपस में आने के बाद में क्या क्या फैकल्टी आई और क्या क्या फैकल्टी ख़त्म हो गई, वह सारे बात आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसका कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, बट जितना है एक प्राइमरी ब्रांच के लिए बहुत अच्छा है। यानी कि यहाँ पर सिंगल ब्रांच चलता है डेयरी टेक्नोलॉजी, लेकिन फ्यूचर में आने वाले समय में यहाँ पर बात अभी चल रही है फूड टेक्नोलॉजी का भी। आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी भी आने वाला है, और फ्यूचर इसका क्या होने वाला है। सबसे पहले प्रेजेंट पे बात कर लेते हैं, इसका पास्ट पर थोड़ा डिस्कस करें तो पास्ट में इसका ICR से अप्रूवल था। ICR के थ्रू यहाँ पर एग्ज़ाम भी होती थी, ICR के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर का निर्माण भी हुआ। यानी कि यहाँ पर ICR के थ्रू आपको, जैसे मैं ऑपरेशन फ्लड चला था, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को एजुकेशन देने के लिए, बिहार के बच्चों को डेयरी सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन दिया जा रहा था। लेकिन जब वह ICR से हट गया, ICR से हटा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को नहीं दी गई, और ICR के व्यक्ति ने यहाँ पर आके जब अपने जो चीज़ें नेट पे डाली गई थी, जो चीज़ उनको बताया गया था उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर आया, रिसर्च किया, तो पता चला यहाँ पर वह सुविधाएं नहीं है। अब सुविधाएं नहीं है तो उसको ICR से हटा दिया गया, और जब ICR से हटा दिया गया, यानी कि 2017 की कहानी है, 2017 से ICR से यहाँ से कुछ होना, सब कुछ बंद हो गया। अब 2017 से यहाँ पर सब कुछ होना बंद हो गया, बट सुविधाएँ अभी भी ICR से कुछ आती है। अब बात करते हैं प्रेजेंट पे, तो प्रेजेंट में बात करें तो यहाँ पर आपको फैकल्टी सारे सब्जेक्ट का मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी या केमिस्ट्री या डेयरी टेक्नोलॉजी का पेपर है, सारे पेपर का टीचर तो मिलेंगे, प्रोफेसर मिलेंगे, और पढ़ाई भी एक तरह से मिलाया जाए तो सभी इंजीनियरिंग कॉलेज से बेहतर होता है। लेकिन आगे हम डिस्कस करते हैं यहाँ की स्टूडेंट की लाइफ की, तो आगे उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर में आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, सामने बन रही है बिल्डिंग जो 5 ताले है, यानी कि 5 फ्लोर का बिल्डिंग है। अब 5 फ्लोर का जो बिल्डिंग है वह बिल्डिंग फ्यूचर में होने वाली है, अभी तक नहीं है। फ्यूचर में यानी कि यहाँ पर जब फूड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, इसके बाद में डेयरी टेक्नोलॉजी, उसी में शिफ्ट होंगे और दोनों ब्रांच एक साथ चलेगा, उस समय इसका नाम हो जाएगा संजय गांधी इंस्टीट्यूट डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी। आगे डिस्कस करते हैं इसके फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर बहुत आगे ब्राइट है बट डार्क भी है। अब डार्क कैसे है हम आगे आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें हॉस्टल की कहानी, यानी कि हॉस्टल कैसा है। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरी डिटेल में हम वीडियो आपको सबमिट कर रहे हैं। सिंपल सा हम कैंपस को एक बार व्यू दिखा दे रहे हैं, नॉर्मल सा आप देख सकते हैं कि कैंपस किस टाइप से है, पूरी हरियाली है, बट यहाँ पर
आप देख सकते हैं यह कॉलेज है जो पुराना कॉलेज है, 1999 का ही बना हुआ है। उसके बाद हमको लगता है यहाँ पर रिपेयर भी नहीं हुआ है, यानी कि रिपेयर भी नहीं हुआ है, बट अंदर से देखने में बहुत अच्छा है। और आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें दिखाएंगे। आगे देख सकते हैं यह फ्यूचर में आने वाला डेयरी कॉलेज है। उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पे है, यह सारे कॉलेज का स्थिति देख सकते हैं। और कॉलेज एक तरह से सही है, पुराना कॉलेज है तो पुराना कॉलेज समझ सकते हैं कैसा होता है। यहाँ पर आपको सभी ब्लॉक का चीज़ मिलेगा, क्या क्या आपको बता दें कि SGIDT में बॉयज़ हॉस्टल एंड गर्ल्स हॉस्टल दोनों है। अब दोनों पुराना है, लेकिन फ्यूचर में आने वाले समय में दोनों न्यू हॉस्टल होने वाला है, क्योंकि उस पर अभी काम चल रही है। आगे डिस्कस कर ले कि हॉस्टल में सुविधाएँ, तो हॉस्टल में मेस की भी सुविधा है, उसके बाद में इंडोर स्पोर्ट्स की भी सुविधा है और आउटडोर स्पोर्ट्स की सुविधा है। बॉयज़ हॉस्टल SGIDT के ऑन कैंपस में ही है, गर्ल्स हॉस्टल कुछ दूरी पर है। लेकिन अब बात करते हैं बॉयज़ हॉस्टल में मेस में, तो मेस के बारे में हम बता दें कि मेस है लेकिन गवर्नमेंट मेस है। अब गवर्नमेंट मेस है तो वहाँ के स्टाफ की पैसा नहीं देनी पड़ती है स्टूडेंट को, बट वहाँ के स्टूडेंट ही मैनेज करता है मेस को। अब स्टूडेंट मैनेज करता है, जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ SGIDT की हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरे जो जूनियर आते हैं वह जब फ्रेशर हो जाता है तो उसके बाद में उनको सौंप दिया जाता है यह मेस चलाने के लिए। तो मेस में होता क्या है, नॉर्मली अपने स्टूडेंट सभी अपने में पैसा कलेक्शन कर लेते हैं और मेस में लगभग 2500 से 3000 रुपये लगते हैं। और सभी कलेक्शन करने के बाद में खुद के मन पसंदीदा एक रूटीन सेट किया जाता है मीटिंग के अनुसार, उसके बाद में क्या होता है कि वह मेस चलता है। आगे डिस्कस करेंगे मेस के बारे में तो हो गई, और यहाँ पर RO की भी सुविधा है, यानी कि फिल्ट्रेशन पानी भी पी सकते हैं। चलिए उसके बाद में हॉस्टल के बारे में डिस्कस करें, तो हॉस्टल उतना बेहतर अभी नहीं है, बट सुविधाएं एक तरह से पुराने कॉलेज में अच्छी हैं। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स के, तो स्पोर्ट्स में कौन कौन सी स्पोर्ट्स होती है। तो स्पोर्ट्स में यहाँ पर क्रिकेट भी होती है, बट क्रिकेट अपने में स्टूडेंट खेलते हैं, सुविधाएँ दी गई है क्रिकेट के, बट खुद से खेलते हैं स्टूडेंट, ना कि उसका कंपटीशन होता है यूनिवर्सिटी लेवल पर ना कि नेशनल लेवल पर। लेकिन और सारे गेम में आप नेशनल लेवल के भी जा सकते हैं अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो। जैसे मैं बात करते हैं स्पोर्ट्स में, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, कबड्डी हो गया, जेवलिन थ्रो हो गया, उसके बाद में डिस्क थ्रो हो गया, उसके बाद में शॉर्ट पुट हो गया, उसके बाद में हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, रेस हो गया, अब उसके बाद में चेस हो गया और कैरम बोर्ड हो गया, यह सारे गेम होता है यहाँ पर और सारे की सुविधा है। TT हो गया, सारे की सुविधा है और सारे आप चाहे तो अच्छे बेटर क्वालिटी के दिखाएंगे तो नेशनल लेवल तक जा सकते हैं। फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं क्लासरूम का, तो क्लासरूम में आपको बता दें सिंपल सा, वहाँ पर डिजिटल पढ़ाई भी होती है और नॉर्मल पढ़ाई होती है। डिजिटल पढ़ाई होती है तो डिजिटल में क्या क्या की आवश्यकता होती है आप जानते होंगे, और नॉर्मल में क्या क्या की आवश्यकता होती है आप जानते होंगे। और उसके बाद हम बता दें क्लासरूम AC रूम है, यानी कि AC उसमें लगा हुआ है, फैन भी लगा हुआ है, ज़रूरत के हिसाब से यूज किया जाता है, प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, बट ज़रूरत के हिसाब से यूज किया जाता है। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, क्लासरूम से हम आते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। कॉन्फ्रेंस हॉल लगभग 100 सीटों की है, कॉन्फ्रेंस हॉल 100 सीटों की है, और वहाँ पर भी AC लगी हुई है, फैन भी लगी हुई है, यानी कि सुविधाएँ वहाँ पर भी बेटर है, गुड क्वालिटी के है। उसके बाद में हम आते हैं लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी के बारे में बात करें तो लाइब्रेरी में ऑल बुक जो डेयरी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं सारे मौजूद है, कुछ डेयरी की बुकें नहीं हैं जिसके बारे में अगर आप चर्चा करते हैं तो वह भी मौजूद करा दी जाती है। आगे हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, आगे हम डिस्कस जो करने जा रहे हैं उससे पहले आप सभी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आगे देखिए, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं लैब में। अब लैब में यहाँ पर पढ़ाई होती है इंजीनियरिंग, उसके बाद एक्सटेंशन, उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद में डेयरी टेक्नोलॉजी। यह चार सब्जेक्ट में ही अलग अलग सब्जेक्ट आते हैं जो यहाँ पर पढ़ाई जाती है। माइक्रोबायोलॉजी का लैब भी मौजूद है। उसके बाद में इंजीनियरिंग में बहुत बहुत बड़े बड़े प्लांट के होते हैं स्ट्रक्चर, तो प्लांट तो नहीं बनाया जा सकता लेकिन उसके मॉडल यहाँ पर मौजूद है। अब प्लांट विजिट करने के लिए इंजीनियरिंग सेक्शन से आप जा सकते हैं प्लांट में। यहाँ से टूर की सुविधा बहुत अच्छी है, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट बिहार के
टूर कर सकते हैं। जैसे में देरी जहाँ भी है बिहार के, आप जा सकते हैं, अपने सेमेस्टर में कोर्स है और उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। सपोज डेट मुझे बॉयलर के बारे में पढ़ना है, तो बॉयलर यहाँ पे मॉडल है, तो मॉडल से पहले पढ़ा दी जाएगी, उसके बाद में एक दिन का टूर बनेगा जिससे पीडीपी हो गया, या आपको सुधा डेयरी मुजफ्फरपुर हो गया, बेगूसराय हो गया, या नालंदा हो गया, कहीं भी एक जगह ले जाकर दिखा दी जाती है। आगे डिस्कस करें तो लैब में सुविधाएं पूरी तरह से मौजूद है जितनी होनी चाहिए। उसके बाद में यूजी पीजी और सेंट्रल लैब भी है, यूजी पीजी सेंट्रल लैब भी है, और एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में आपको कम्युनिकेशन लैब है, उसके बाद में एक्सटेंशन लैब भी है, और उसके बाद आता है एक कल्चरल में। कल्चरल में भी आप नेशनल लेवल के जा सकते हैं। यहाँ से बहुत सिंपल सा है, पहले यूनिवर्सिटी में अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, अगर अच्छा है तो नेशनल लेवल में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस का। तो एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर BCEC के थ्रू होती थी और UGEC के थ्रू, अब भी होगी UGEC के थ्रू, अगर सीट खाली बच जाती है तो BCEC के थ्रू होती है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं यहाँ पर कट ऑफ कितना जाता है। तो भाई इससे पहले BCEC के थ्रू होती थी तो 8000 रैंक तक भी एडमिशन होता था। यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस और गवर्नमेंट दोनों होती है, यानी कि सेल्फ फाइनेंस यानी कि खुद पैसा पेड करके भी पढ़ सकते हो, और गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल कर अच्छे रैंक लेकर भी पढ़ सकते हो। हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप जेईई मेंस के थ्रू UGEC काउंसलिंग होता है उसको करो और एडमिशन सिंपल सा ले सकते हो। चलो तो अब कटअप की बात करें UGEC में, तो UGEC में अगर 4000 रैंक है UR तो आराम से एडमिशन ले सकते हो, और हर साल यह कटअप चेंज होते रहती है, इससे हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट सुविधाएं भी उपलब्ध है। अब प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी कंपनी आती है, तो कभी कभी होता है कि कोई कंपनी नहीं आती है, बट इतने कंपनी आशा रखिए कि आती है, जैसे में अमूल हो गया, कॉम्फेड हो गया, जीविका हो गया, ITC हो गया, उसके बाद में मेघा डेयरी हो गया, वेरका डेयरी हो गया, IDMC हो गया, उसके बाद में गोवर्धन हो गया, उसके बाद में आसाम डेयरी हो गया, ये सारे डेयरी यहाँ पे आते हैं और इसके थ्रू प्लेसमेंट होता है। अब प्लेसमेंट की हाई पैकेज कितना जाता है इस पे डिस्कस करते हैं। प्लेसमेंट की हाई पैकेज आपको हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 9 लाख के अप्रॉक्स जाता है, 9 लाख के अप्रॉक्स हाई पैकेज जाता है, और लो यानी कि सबसे कम कितना पैकेज मिलता है, तो सबसे कम पैकेज की बात करें तो आपका लगभग 4.5 लाख के करीब मिलता है। तो यह प्लेसमेंट के बारे में बात कर लिए। आगे डिस्कस करते हैं इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए कौन कौन सी फॉर्म के थ्रू जा सकते हैं, तो कौन कौन सी जॉब आती है। ATM BTM एक फॉर्म है, उसके थ्रू में भी जॉब होता है, DFO हो गया, DO हो गया, जीविका हो गया, यह और अन्य भी जॉब्स हैं जिसके थ्रू आप जॉब कर सकते हो। यह थी डेयरी की पूरी हिस्ट्री, और आगे डिस्कस करें यहाँ पर सुविधाएं भी उपलब्ध है, सब कुछ आपको हमने डिस्कस कर दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। रहने के लिए सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक, शेयर, और डाउट हो तो कमेंट।